नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के क्रिकेट वीडियो में। आज हम बात करेंगे आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच की, जो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद अब फोकस वनडे सीरीज पर है और दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। T20 सीरीज के ड्रॉ होने के बाद अब आयरलैंड वनडे सीरीज में आत्मविश्वास के साथ उतरेगा। उनका मानना है कि अगर वे अपने गेम प्लान पर सही से टिके रहें और निर्भीकता से खेलें, तो साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को मात दे सकते हैं। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका अपनी हालिया अफगानिस्तान के खिलाफ हार को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगी। साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड के खिलाफ कुल 9 मैच खेले हैं, जिनमें से 8 जीते हैं। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप में काफी टैलेंट है। लुंगी एनगिडी और एंडिले फेहलुकवायो जैसे अनुभवी गेंदबाजों के साथ टीम में नए नाम जैसे नंद्रे बर्गर, लीजार्ड विलियम्स और नाबायोम्जी पीटर शामिल हैं। अगर आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करती है पहली पारी में 10 ओवर के पावर प्ले में, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 40 से 47 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी ओर, 50 ओवर की पहली पारी में लंबी पारी में स्कोर 232 से 290 के बीच हो सकता है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम जरूर बताएं। रासी वैन डेर डुसेन, टेम्बा बावुमा और काइल वेर्रेनिये को छोड़कर बाकी बल्लेबाज इस फॉर्मेट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टोनी डी जॉर्जी ने शानदार शुरुआत की है, लेकिन रयान रिक्लेटन और ट्रिस्टन स्टब्स को अभी और बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है। दूसरी ओर, आयरलैंड की टीम पिछले कुछ सालों से स्थिर रही है। 2021 में जब उन्होंने पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया था, वो जीत उन्हें आज भी आत्मविश्वास देती है। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने शानदार कप्तानी की है और टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे हैरी टेक्टर, एंडी बलबर्नी और जॉर्ज डॉकरेल ने भी अच्छे प्रदर्शन किए हैं। अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा? हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन, टॉस आयरलैंड टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विश्लेषण नहीं होता है, बस एक अनुमान है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। आज का मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। ये पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, खासकर पॉल स्टर्लिंग के लिए, जिन्होंने यहाँ शानदार रन बनाए हैं। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 263 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक भी शामिल हैं। मैच रिपोर्ट इज साउथ अफ्रीका यह मैच जीतेगी। तो दोस्तों, आज का मैच बेहद रोमांचक होने वाला है। क्या आयरलैंड एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगा या साउथ अफ्रीका अपनी दबदबा कायम रखेगा?